क्वेश्चन दो हज़ार ग्यारह का सवाल है क्वेश्चन सेज टू पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलॉन्ग टू क्लोज पैरल स्ट्रेट लाइन्स साइड बाय साइड विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मीन पोजिशन ऑफ द टू पार्टिकल्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द टू पार्टिकल हमें बताना है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा अगेन बहुत आसान सवाल है अगर आपको फेजर डायग्राम आते हैं मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एस एच एम के अच्छे सवालों के लिए और ये सवाल एक बार फिर एग्जाम्पल है कि फेजर डायग्राम आपको आने चाहिए फेजर डायग्राम से ये सवाल आपका थर्टी सेकेंड्स के अंदर अंदर हो जाएगा अदरवाइज़ किताबों में इसका लंबे लंबे डेढ़ डेढ़ पन्ने के सोल्यूशन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इक्वेशन से सॉल्व करने लगेंगे बहुत टाइम बर्बाद करेंगे फेजर डायग्राम से सवाल को सॉल्व करते हैं मैं आपको फेजर डायग्राम का एक बार फिर रिकैप भी करवाता हूं सो so, दो पार्टिकल हैं इसको ऐसे देखें हम फेजर डायग्राम एक बार रिवाइज करते हैं हम ये कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर आपका एस एच एम कर रहा है उसको हम ये कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर हम उसके डायमीटर पे यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे और डायमीटर होता है किसी भी डायमीटर पर अगर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वह आपका एस रिप्रेजेंट करेगा तो आपका कोई पार्टिकल यहाँ से चालू हुआ है टी इज इक्ल टू तो जीरो से ये प्लस ए एम्पलीट्यूड पे आया है ये आपकी फिर मीन पोजिशन है फिर वापस यहाँ पे माइनस ए पे आया है और वो फिर आपका यहाँ पे मीन पोजीशन ऐसे ऐसे वो घूम रहा है उसकी परछाई आपका एस एच एम रिप्रजेंट करती है ठीक है इसको प्रूव हम क्लास में करते हैं बहुत सिंपल है अले? अब हमें इस सिचुएशन में दिया हुआ है अब इस सवाल पे आते हैं हमें इस सिचुएशन में दिया हुआ है कि दो हमारे पार्टिकल हैं दो पार्टिकल हैं जिनका एम्पलीट्यूड अगर ये ए है तो ए बाई टू से पास कर रहे हैं तो एक पार्टिकल की लोकेशन यहाँ है कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे पार्टिकल वन पार्टिकल टू आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपकी लोकेशन है प्लस ए बाय टू दोनों इस लोकेशन से क्रॉस कर रहे हैं सवाल ये कि उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होएगा सो so, अगर इस पार्टिकल की फेजर डायग्राम हम इसको ऐसे ड्रॉ करें और इनका फ़ेज़ वो देखें तो ये इस पार्टिकल का इनिशियल फ़ेज़ है और ये इस पार्टिकल का इनिशियल फेज़ है तो इसको आप फाइन आट वन क्या लीजिए ये आपका फाइनॉट टू हो जाएगा सो so, फाइनॉट वन और फाइनाट टू के बीच में हमें डिफरेंस पता करना है सो so, अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री से देखेंगे सो so, ये आपकी साइड ए है और ये वाली साइड आपकी ए बाई टू है तो फाइनॉट वन के लिए हम लिख सकते हैं कि साइन फाइन आट वन जो आपका साइन एंगल आएगा वो होएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दिव परपेंडिकुलर हुआ आपका ए बाय टू हाइपरटेन्यूस आपका हुआ है यानी कि वन बाय टू विच एम्प्लाइज फाइनॉट वन की वैल्यू हो गई थर्टी डिग्री या फिर पाए बाय सिक्स सो ये एंगल आपका पाए बाय सिक्स का है अब इस वाले को देखेंगे तो ये वाला पार्टिकल है आपका अगेन ये वाला हाइपरटेन इसका ए है ये वाला आपका ए बाय टू है और ये आपका इनिशियल एंगल है इस इनिशियल एंगल को देखेंगे तो ये वाला एंगल अगेन सेम लॉजिक से ये वाला एंगल आपका थर्टी डिग्री यहाँ से आ जाएगा यानी कि आपका फाइनोट टू जो है वो हो गया 150 डिग्री दोनों के बीच का डिफरेंस जो आपका डेल्टा फाई है वो 150 में से 30 माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 150 फिफ्टी माइनस थर्टी यानी कि 120 डिग्री और इसको टू पाई बाय थ्री भी लिख सकते हैं सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी टू पाई बाय थ्री वुड बी द राइट आंसर